तो शाम कांग्रेस को जिता रहे हैं। लेकिन इस बार आपकी चाची और आपकी बहन कहती है कि बीजेपी जीतेगी इस बार। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ये अपनी जबान के लिए जाने जाते हैं। मजबूती से शुरुआत हुई है और जैसा मैंने कहा मेरा बेशक पहला चुनाव हो, इन सब का बहुत चुनाव का एक्सपीरियंस है। सब चुनाव मेरे लिए लड़ने लग रहे हैं, अनिरुद्ध बन के सब चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सब चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप शर्मा और गांव पुसणम में हम मौजूद हैं और अनिरुद्ध चौधरी के तूफानी प्रचार के दौरान हम लोगों का मूड जानने पहुँचे हैं। तो अनिरुद्ध जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। युवा भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका इतना ज़्यादा जोश और समर्थन देखने को जो मिल रहा है, मैं इस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत खुश हूं। सब चुनाव मेरे लिए लड़ने लग रहे हैं, अनिरुद्ध बन के सब चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सब चुनाव लड़ रहे हैं। आपको चुनाव लड़वाने का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आपका ये पहला चुनाव, आपका कैसा चल रहा है चुनाव? कभी आपका भी पहला इंटरव्यू रहा होगा तो शुरुआत होती है और बहुत अच्छी मजबूती से शुरुआत हुई है और जैसा मैंने कहा मेरा बेशक पहला चुनाव हो, इन सब का बहुत चुनाव का एक्सपीरियंस है और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके पिताजी और दादाजी का नाम का कितना फ़ायदा मिलेगा आप? बिल्कुल मिलता है, बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ये अपनी ज़बान के लिए जाने जाते हैं, तो सबको पता है मैं अगर कोई बात कहूँगा मुझे उस बात पे मैं खरा उतरूँगा, तो ये इस चीज़ का तो बहुत फ़ायदा मिलता है। तो शाम से ज़्यादातर कांग्रेस ही जीती है, लेकिन इस बार आपकी चाची और आपकी बहन कहती है कि बीजेपी जीतेगी इस बार। देखो, वो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये कहेंगे, पर ये जनता का जन समूह और सारी बात और सारे गाँव में जो माहौल है और जब लोगों ने जो ठान रखी है, ये बात बड़े स्पष्ट रूप से बता रही है कि चुनाव एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। सर, अनिरुद्ध चौधरी का क्या माहौल चल रहा है? अनिरुद्ध चौधरी साहब का बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस पार्टी के मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और बंसीलाल जी परिवार के उनके पोते हैं और बंसीलाल जी अपने ज़माने में बहुत विकास पुरुष की नाम से कहलाने वाले इंसान थे और यहाँ जितने भी सड़कों के जाल हैं, नहरों के, सड़क की बात करो, बिजली की बात करो, तो वो सारा विकास जितना भी हुआ है कांग्रेस पार्टी के बंसीलाल जी ने किया था। तो शाम से भाई और बहन दोनों आमने सामने हैं, तो शाम किसको जिता रहा है फिर? तो शाम कांग्रेस को जिता रहे हैं। अच्छा। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। अच्छा। जी, गाँव में क्या माहौल चल रहा है? गाँव में जी हमारे अनिरुद्ध चौधरी का माहौल चल रहा है बढ़िया वाला, क्योंकि यहाँ पर पहले से किरण मैडम का जो है बढ़िया माहौल था, लेकिन वो क्या है, एक तो किसानों का आंदोलन जहाँ 750 किसान शहीद हुए और उसकी गोद में जा करके बीजेपी में बैठ गए, और दूसरा मैडम को हाईजैक कर रखा है हरी सिंह ने। यहाँ तो शाम से हरी सिंह जो कहता है वही मैडम करती है, तो इसलिए हरी सिंह को कोई तो शाम ब्लॉक में देखना नहीं चाहता। खास मेन कारण तो है ये, इसलिए क्या सारे वर्करों में कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं, इसलिए क्या है भाई साहब के सब साथ हैं और ये मेन कारण है। इनके जीतने कितने चांस हैं अनिरुद्ध चौधरी के? 100% 100% पहले नंबर पर रहेंगे? बिल्कुल पहले नंबर पर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 20,000 वोटों जीतेंगे जी, 20,000 वोटों जीतेंगे बिल्कुल, इसमें कोई शक ना मानो, मतलब बदलाव पब्लिक चाहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक संख्या मत रखो, 100% जीत है और 20,000 से प्लस जीत है जी। बाबू जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है जी, कांग्रेस बनेगी, पूरा नहीं सारे बनेगी, पक्की बनेगी। ये एक दो सीट ले जाए बेरा कौन मैदान में, तो ये वादा हो भी कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस आओ। अच्छा, तो शाम से कौन जीतेगा? कांग्रेस तो जो थोड़ा जीतेगा अनिरुद्ध। मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? मुख्यमंत्री हुड्डा बनेगा। अच्छा, गांव से आपने देखी ये वीडियो, आपको कैसे लगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।